चलिए हम इधर भुजिया बनाते हैं आलू का। मैंने आलू को ये मोटे वाला से कस करके तीन चार पानी से धोए हैं, धोकर उसको कपड़े पर रख देना है। कपड़े पर रख कर उसको फिर थोड़ा सा एक दूसरे में चिपके नहीं, इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ आलू ही रहेगा उसमें। तो मैंने थोड़ा सा मक्के का आटा कोटिंग की। अब चलिए इसको हम इस तरह से बनाए हुए हैं, इसको हम डालेंगे। उसको डबल फ्राई करना है, इसको सिंगल फ्राई करना है। अगर कुरकुरा नहीं चाहते हैं तो डबल फ्राई उसको भी नहीं कीजिए। एक ही बार में ही हो जाता है। बहुत फास्ट तैयार हो जाता है। इससे अच्छा आपको हल्दीराम का भुजिया भी नहीं लगेगा। आइए बनने भी आलू तेल भी कम सोखता है। मेरा झलरा ढीका हुआ था इसलिए इसमें थोड़ा सा हम चिपक गया। आपको अगर ढेर बनाना है तो ढेर कोई भी चीज़ जो तेल या रिफाइंड डालिएगा ना उसको ज़्यादा डालना है। मैं तो थोड़ा सा बना रही हूँ, एक इसमें कम डाली, ये जलता भी नहीं है तेल, इसको आप दूसरा चीज़ में यूज कर सकते हैं। चलिए उसी में हम बादाम को भी छान लेते हैं। चलिए इनको भी हम छान लेते हैं। और इधर थोड़ा सा मेरे पास ग्रीन मटर था तो उसको मैं सूखा हुआ, तो इसको थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा पानी डाली हूँ और कॉर्नफ्लोर डाल के इसको सान ली हूँ, ज़्यादा नहीं, जिससे ही मेरा जो आटा है वो इसमें कोट हो जाए, तो मिक्स हो जाए। घर में मेरा दो आलू है मीडियम साइज का और ये है 100 ग्राम बादाम दाना। देखिए कितना सारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। ये भी तैयार है, बहुत जल्दी फास्ट बन भी जाता है। इसको भी हम छान लेंगे। इसमें जो मैं चटनी बनाई हूँ ना थोड़ा सा उसको डाल दी इसलिए कि वो खट्टा
टेस्ट देगा थोड़ा सा खटापन का। अब चलिए इसमें हम चूड़ा ऐड करती हूँ, डालती हूँ। इसका चूड़ा नीचे गिर रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप जो शरबत वाला चन्नी है ना उससे बनाइए, मैं इसको लेटा हुआ था इसलिए इसको भी इसी से मैं बना ली हूँ। मेरा बनकर तैयार हो गया है, मैं गैस बंद कर दी हूँ क्योंकि गैस तेज रहेगा तो ही निकालते निकालते मेरा साड़ी जल जाएंगे, क्योंकि मेरा ये जो चन्नी का जाली है जो बड़ा बड़ा है। थोड़ा सा मखाना भी डाली हूँ, अगर आपके पास नारियल साबुत है तो उसको भी थोड़ा सा बादामी कलर का फ्राई करके डाल दीजिए। आपके पास काजू है काजू डाल लीजिए, मेरे पास इसमें काजू और नारियल गोला ख़त्म हो गया है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और कड़ी पत्ता, रात हो गया है, मैं रात शाम में बना रही हूँ इसलिए मैं नहीं डाली हूँ, कड़ी पत्ता डाल दीजिए। अब चलिए इसमें हम डालते हैं काला नमक, काला नमक और काली मिर्च का पाउडर, और उसके बाद मैं डालूंगी आमचूर पाउडर और जीरा भुंजा हुआ। अब इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, अगर ज़्यादा तीखा और चाहे दिखने अच्छा दिखने के लिए आप ये भी डाल सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। अब इस सारे को हम इस तरह से ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ये मेरा आलू का भुजिया बनकर तैयार है, ये मीडियम आकार का। मेरा ये छोटे छोटे दो आलू से इतने सारे मिक्सचर बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें आलू और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनता है और खाने में भी नुकसान नहीं करता है। इस तरह से बना लीजिए, चूड़ा में मिक्स करके खाइए, बच्चे को कभी कभी इसको नाश्ता भी दे सकते हैं टिफिन में। चलिए मेरा बनकर तैयार हो गया, आइए और खाइए।